आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, यही स्थिति है आज बिहार के शिक्षा विभाग की, और विशेष करके जो समर वैकेशन में मिशन दक्ष चलाया जा रहा है उसका। आज 8 बजे से 10 बजे तक सभी शिक्षकों को विद्यालय जाना है, गर्मी की छुट्टी है भी नहीं भी है, हम जानना चाहते हैं कि गर्मी की छुट्टी है या नहीं है। बच्चे आएंगे, कौन बच्चे आएंगे जो मिशन दक्ष में है, मिशन दक्ष में 5वां के बच्चे पास कर गए 8वां के बच्चे पास कर गए, अब 5-5 के हिसाब से बच्चे हैं तो कहीं 20 कहीं 10, सभी बच्चे पहले से प्रोग्राम बनाए हुए थे कि गर्मी के छुट्टी में हमको नानी घर जाना है, हमको घूमने जाना है, इस गेहूं के कटौनी में लगना है, जो गरीब के बच्चे हैं दौनी में लगना है, लेकिन जानबूझ के झूठ मूठ के बड़ा घोटाला को तोपने के लिए मिशन दक्ष थे। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अभी जो आप 2 घंटे पढ़ा रहे हैं 30 दिन में, आप इसको 15 दिन ही विद्यालय खुला रखते और इसको 2 घंटे के बदले आप 16 घंटा सुबह 9 बजे से रात लेकर रात के 1 बजे तक पढ़वाते। लेकिन अगर 15 दिन आप गर्मी के छुट्टी दे देते, फुल डे बंद कर देते, तो उस छुट्टी में शिक्षक और छात्र भी जो अपना पहले से प्लान बनाए हुए हैं, माता पिता का इलाज कराना है, कुटुंब के यहाँ जाना है, अपना बच्चे को नामांकन कराने जाना है, उसमें कराते। लेकिन 2 घंटे रोज आइए, यह पुरानी अंग्रेज प्रथा नहीं बल्कि यह जमींदारी प्रथा को याद दिलाती है। जब पहले जमींदार थे तो उनके जो नौकर चाकर हुआ करते थे वो कोई काम करे या ना करे, लेकिन दूरा पा करके मालिक को सलाम जरूर ठोकते थे। उनका काम था कुछ नहीं कीजिए, दुआरी पर जाइए और जो जमींदार है उनको सलाम ठोकिए। यही हाल आज बिहार के शिक्षा विभाग में शिक्षकों का हो गया है। 2 घंटे में कहीं कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, बस घुड़दौड़ की तरह दौड़ते दौड़ते 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से सुबह 6 बजे निकलिए, 8 बजे पहुंचिए, फिर 10 बजे निकलिए, तो धूप में 12 बजे 1 बजे तक घर आइए, सारा काम ठप। हम जानना चाहते हैं बिहार के तमाम लोगों से, तमाम शिक्षा प्रेमियों से, कि बिहार में जो अब BPSC लेकर के 5.5 लाख 5.75 लाख शिक्षक है, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नी छोड़कर भाग गई है, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नी तलाक दे दी है, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नी मर गई है। 90% लोगों की पत्नी उनके पास है, और पत्नी है तो बाल बच्चे भी उनके पास है, जब पत्नी बाल बच्चे है तो उनके माता पिता भी उनके पास है, तो ऐसी परिस्थिति में 90% से ज्यादा लोगों को अपने बच्चे को नामांकन कराने, जब मैट्रिक के परीक्षा दे दिया, इंटर के परीक्षा दे दिया, तो बाहर कोटा दिल्ली पटना जाना है, जो के माता पिता बुजुर्ग है उनको इलाज कराने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं, बउआ तू तो नौकरी कर ही रहब हम मर जाए, बउआ तू तो नौकरी कर ही रहब हम मर जाए, इलाज कराने के लिए जाना है। लेकिन इस समर वैकेशन में जो सारे प्रोग्राम बनाए हुए थे शिक्षक भाई शिक्षिका बहन, कि हम अपने बच्चे को नामांकन कराने जाएंगे, हम अपने माता पिता को इलाज कराने जाएंगे, सिर्फ तानाशाही रवैया के तहत, जमींदारी प्रथा को जीवंत करने के तहत सारी छुट्टियां को रद्द कर दी गई और कहा गया कि आप विद्यालय में रहिए। ये बिल्कुल वैसे लोगों के लिए सूट करेगा जो निगोर बार हो, जिनकी पत्नी नहीं हो, जिनको बाल बच्चा नहीं हो, जिनको बाप मातारी से कोई मतलब नहीं हो। लेकिन हम मध्यम वर्गीय परिवार में, हमें बाप मातारी भी है, बाल बच्चा भी है, ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अलग से टाइम निर्धारित कीजिए कि हम अपने माता पिता का इलाज कब कराएं, आप अलग से टाइम निर्धारित कीजिए कि हम अपने बच्चे को जब हमको अपने घर से बाहर मैट्रिक के बाद इंटर के बाद एडमिशन कराने जाना था हम कब जाएं, या उनको हंसुआ खुरपी धरा दे कि जिंदगी भर घर में ही रहे, और या अपने बाल बच्चे को पत्नी को सदा के लिए छोड़ दे कि उनको कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं शिक्षक कर सकते हैं, चूंकि हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं। और मैं पूरे बिहार के शिक्षा विभाग के कोई भी अगर एक ईमानदार व्यक्ति है जिसको अपने पर गर्व हो, वो किसी भी स्तर के पदाधिकारी है कि हम ईमानदार हैं, तो एक बार हमको टाइम दे और 10 विद्यालय का औचक निरीक्षण करके इस गर्मी के छुट्टी में देख ले, उनको ईमानदारी का औकात पता चल जाएगा। आज जो निरीक्षण हो रहा है सिर्फ शोषण के लिए हो रहा है, निरीक्षणकर्ता जा रहे हैं टक टक टक, फोटो ये नहीं खींच रहे हैं, वो नहीं खींच रहे हैं, और कुछ वसूल ले रहे हैं और चल जा रहे हैं, कहीं कोई कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ यह वसूली का गोरख धंधा है,
चुनावी बॉन्ड की तरह यह एक बॉन्ड बना हुआ है जिसको लिया जा रहा है और पूरा शिक्षा विभाग आज बर्बादी के कगार पर है। मैं एक बार पुनः चुनौती देता हूं शिक्षा विभाग के सारे पदाधिकारियों को कि अगर आप ईमानदार हैं और आपको लगता है कि गर्मी की छुट्टी में 2 घंटा क्लास चलाकर हम विद्यालय को सुसज्जित कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे साथ टाइम दीजिए और औचक 10 विद्यालय का निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण उस विद्यालय का हो रहा है जिसको पहले से समय दिया गया है, दुल्हन की तरह बारात की तरह उस सजा के रख रहा है, जा रहे हैं टकाटक फोटो खींच ले रहे हैं, अपना चेहरा चमका करके चल दे रहे हैं। यह बर्बाद हो रहा है शिक्षा विभाग। इसलिए मैं बिहार के तमाम शिक्षाविदों को, शिक्षा प्रेमियों का आह्वान करना चाहता हूँ कि जागो भाइयों, जागो, नहीं तो इतिहास माफ नहीं करेगा। और शिक्षा में जागृति के लिए, शिक्षा को मानसिक उत्पीड़न से निजात दिलाने के लिए आप आगे आइए, तभी शिक्षा का बदहाली जो है दूर होगी और शिक्षा में विकास होगा। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, शिक्षक संघ बिहार। जय शिक्षक, जय भारत, जय बिहार। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।